welcome to our channel sandra advanced education now students we are studying subject english of class fourth and this is the chapter number nine name of the chapter is kites means patang in this chapter we'll come to know about kites when and how they these were uh, started flying pupil started फ्लाइंग काइट्स ओवर टू थाउजेंड्स ईयर्स एगो लगभग दो हज़ार वर्ष पूर्व लोगों ने पतंग उड़ाना शुरू किया था द चाइनीज वर फर्स्ट टू फ्लाई काइट्स चाइनीज पहले ऐसे थे जो कि जिन्होंने पतंग को सर्वप्रथम उड़ाया सेवरल सेंचुरीज एगो कई शताब्दी पहले चाइनीज ट्रेवलर्स brought काइट्स टू इंडिया जो चाइनीज जो यात्री थे वे पतंग को भारत में लाए एंड नाओ फ्लाइंग काइट्स इज़ आर फेवरेट पार्ट टाइम फॉर बॉथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट और आज के समय में बच्चों के लिए और जो व्यस्क जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी पतंग एक बहुत ही पसंदीदा पार्ट टाइम जॉब है मतलब ये बहुत उनको अच्छा लगता है पतंग उड़ाना सभी पसंद करते हैं चाहे वो बच्चे हैं या व्यस्क हैं एट वन टाइम काइट्स वर यूज फॉर स्पाइंग इन वेयरफेयर और ये जो पतंग हैं बहुत उस समय पतंग का इस्तेमाल युद्धों में युद्ध के समय में जासूसी के तौर पर किया जाता था जासूसी करने के लिए किया जाता था एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डेज और उन दिनों जो एरोप्लेन थे ये कोई आम नहीं थे काइट्स वर कैमरास टाइड टू देम वर सेंट हाई इन एयर टू टेक पिक्चर्स पतंग से कैमरे को बांधकर ऊपर भेजा जाता था हवा में पतंग को उड़ा दिया जाता था और वहाँ से पिक्चर्स ली जाती थी तस्वीरें ली जाती थी द एरियल फोटोग्राफ्स हेल्प सोल्जर्स टू फाइंड आउट वेयर द एनिमी फोर्सेस वर हाइडिंग और जो ऊपर से जो फोटोग्राफ लिए जाते थे वे मदद करते थे सैनिकों को ये जानने में कि उनके शत्रु की जो फोर्स है वह कहाँ पर छिपी हुई है सम आर्मीज इज यूज काइट एज टारगेट फॉर शूटिंग प्रैक्टिस और कभी कभी जो कुछ सेनाओं में पतंग का इस्तेमाल किया जाता था शूटिंग का लक्ष्य को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट कैरी इंस्ट्रूमेंट हाई इन टू द क्लाउड्स और जो वैज्ञानिक होते थे वे पतंग का इस्तेमाल करते थे यंत्रों को ऊपर आसमान में बादलों तक पहुंचाने के लिए दीज इंस्ट्रूमेंट्स वुड मीजर द एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर एंड द वि स्पीड और ये जो यंत्र होते थे ये मापते थे तापमान को और हवा की जो स्पीड है या हवा की क्या कितनी गति है इस चीज़ को वो मापते थे इसका मापन करते थे समटाइम द काइट कुरंट फ्लाई हाई एनफ और कभी कभी पतंग बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती थी वेन दिस हैपन मैनीइड्स वर टाई टूगेदर इन ट्रेन और जब ऐसा होता था तो कभी कभी कई सारी पतंग को मतलब ट्रेन से रेल से भी बांध दिया जाता था द फर्स्ट काइड वॉज सेंट एज हाई एज इट कुल और सबसे पहले पतंग को जितना ऊँचा भेजा जा सकता था उतना ऊँचा उसे भेजने की कोशिश की जाती थी इट्स स्टेरिंग विद दैन अटैच टू द सेकेंड गाइड और फिर उसके बाद दूसरी पतंग को उसे अटैच कर दिया जाता था च वुड हेल्प द फर्स्ट काइट टू गो इवन हायर जिससे कि पहली पतंग को और ज्यादा ऊपर जाने में मदद मिलती थी अ थर्ड और इवन फोर्थ काइट तीसरी और यहां तक की चौथी पतंग को भी कुड भी एडिड टू द ट्रेन उसको भी उससे बांध दिया जाता था ट्रेन से दमेरिकन इन्वेंटर बेंजामिन फ्रेंकलेन वस कंडक्टेड अ फेमस एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ काइट एक बार एक अमेरिकन इन्वेंटर ने आविष्कारक ने जिनका नाम ब्रेंजामिन फ्रैंकलिन था उन्होंने एक आविष्कार किया इस पतंग को मतलब पतंग का प्रयोग करके फ्रैंकलिन वांटेड टू शो दैट लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्रैंकलिन क्या दिखाना चाहते थे फ्रैंकलिन ये साबित करना चाहते थे कि जो ये बिजली चमकती है इसमें बिजली होती है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें विद्युत पाई जाती है he he thought that he could prove it if he sent a kite to catch a current from lightning flashes. और उन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए पतंग को ऊपर भेजने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि जो ये बिजली चमकती है इसमें करंट होता है और

और लंबे धागे के जो एंड में जो अंत का सिरा होता है वहां पर द काइट ही टाइड अ ब्रास की वहां पर उन्होंने ब्रास मतलब पीतल की एक चाबी वहां पर बांधी थी देन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ही टाइड अ सिल्क रिबन और फिर उस धागे के अंत अंतिम छोर पर उन्होंने एक सिल्क का रिबन बांधा था व्हिच ही वुड होल्ड व्हाइल द काइट फ्लू और जिस जिसको उन्होंने वहाँ से पकड़ा हुआ था जब वो पतंग को उड़ा पतंग उन्हें उड़ानी थी उस समय उन्होंने उन्हें वहाँ से उसको पकड़ना था ही न्यू सिल्क वुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल और वे इस बात को जानते थे कि जो सिल्क होती है वह विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है एंड होप्ड इट वुड कीप हिम सेफ और उन्हें यह लग रहा था कि इस प्रकार करने से वह सुरक्षित भी रहेंगे और एक तूफानी दोपहर के समय फ्रैंकलिंग ने अपने पतंग को उड़ाने की कोशिश की a brisk breeze was blowing. बहुत ही तेज हवा चल रही थी Franklin's स्काइट रोज क्विकली इन टू द डार्क क्लाउड्स और फ्रैंकलिंग की जो पतंग थी वह बहुत तेजी से आ, काले बादलों में जा पहुंची Raindrops वर पेल्टिंग डाउन जो बरसा की बूंदें थीं वो नीचे गिर रही थी ही नीडेड टू कीप सिल्क रिबन ड्राई बिकॉज वंस वेट इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और वे चाहते थे कि उनकी जो जहाँ से उन्होंने पकड़ी हुई थी सिल्क जो रिबन बांधा हुआ था जहाँ से पकड़ा हुआ था उन्होंने वो चाहते थे कि वह सूखा हुआ रहे जिससे कि वह वह भीगे नहीं जिससे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना पहुँचे फ्रेंकलिंग रिस्ट Out and टैप the key with his फिंगर और फ्रेंकलिन ने उस की को उस चाबी को अपनी फिंगर से टैप किया और स्पार्क्स फ्लू और जैसे ही उन्होंने इस पर फिंगर से टैप किया तो वहाँ पर जो बिजली के जो चमक है वो तेजी से उन्हें महसूस हुई इट वॉज इलेक्ट्रिसिटी और ये क्या थी यह विद्युत ही थी बेंजामिन फ्रेंकलिन वॉज वेरी लकी ऑन दैट डे बेंजामिन फ्रैंकलिन उस दिन बहुत ही ज्यादा लकी थे के साली थे। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव कर दिया था सिद्ध कर दिया था बट बिकॉज ही डिजेंट गेट किल्ड लेकिन इसलिए भी कि उन्हें उस समय कोई हानि नहीं पहुंची थी काइट्स मस्ट रिमेंबर दिस और जो जो लोग पतंग उड़ाते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए नो काइट्स ऑन स्टॉर्मी डे कि तूफानी वाले दिन में तूफान से भरे हुए दिन में कभी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए शुड नेवर बी यूज टू मेक अ काइट और पतंग बढ़ाने के लिए किसी धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऑल्सो काइट नेवर बी फ्लॉन अराउंड पावर लाइन्स और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पावर लाइन्स हों जहाँ बिजली की तारें हों वहाँ पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए इट इज डेंड टू फ्लाई काइट्स फ्राम अ रू ऑफ टेरेट है पैरापेट और ये भी बहुत खतरनाक है पतंग उड़ाने के लिए कि जब टेरस पे जाते हैं जब ऊपर छत पर जाते हैं ऐसी छत से पतंग उड़ाना जिसकी कोई बाउंड्री ना हो प्यूपिल ऑफन फॉल फेडरली off the एस of the rope when they keep tugging at the string and walk backwards with eyes fixed on the kite in the sky और कई बार लोग बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं जब वो अपनी छत पर से पतंग उड़ाते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान पतंग उड़ाने पे रहता है और वे पीछे हटते चले जाते हैं और उनकी नजरें जो होती हैं वो आसमान में अपनी पतंग के ऊपर फिक्स रहती हैं या निहारती रहती हैं एक टुक अपनी पतंगों को देखते रहते हैं और उनका ध्यान जाता ही नहीं इस बात पर कि वो छत के पूरे किस कोने पर आ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं टुडे काइट्स आर यूज मोस्टली फॉर फन आज के समय में पतंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है आनंद उठाने के लिए मनोरंजन के लिए पतंगों का प्रयोग किया जाता है फैमिलीज गो टू ओपन स्पेसेस लाइक पार्क्स और बीचेस टू फ्लाई काइट्स जो परिवार हैं वे जाते हैं खुली जगहों पर पतंग उड़ाने के लिए और वो जगह कैसी होती हैं या तो वो पार्क में चले जाते हैं या समुद्र के किनारे पतंग उड़ाने के लिए चले जाते हैं सम टाइम देर आर काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट और कभी कभी जो पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी होती हैं एक्सपीरियंस्ड फ्लायर्स कैन लॉन्च देयर काइट्स अप इन द स्काई इन अ फ्यू मोमेंट और जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं एक्सपीरियंस्ड फ्लायर होते हैं जिन्हें पतंग उड़ाने का बहुत अनुभव होता है वो अपनी पतंग को मिनटों सेकंडों में कुछ ही क्षणों में आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं नोवे एंड नोवेज नीड अदर टू हेल्प देम एंड सम पेसेंस लेकिन जो नो होते हैं जो नए नए पतंग उड़ाना शुरू करते हैं ऐसे लोगों को सहायता की जरूरत होती है और कुछ धैर्य की उन्हें जरूरत होती है इंडिया हैज़ एन ऑल ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग हमारे भारत में बहुत ही प्राचीन परंपरा चली आ रही है पतंग उड़ाने की इंडियन रूलर्स एडवंस लव दिस इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना एंड और हमारे जो भारतीय जो शासक रहे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम था किस बात से कि वो चाइना से नई नई पतंग इम्पोर्ट कराते थे इम्पोर्ट मतलब मंगाते थे वहाँ से आयात इनका करते थे काइट्स ऑल्सो बिकम पॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज इट वॉज ईजी टू मेक दैम और जो जो ये पतंग है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई क्योंकि इनको बनाना भी बहुत आसान था लोग इसे आसानी से बना भी सकते थे एंड वन नीड टू नो स्पेशल स्किल टू फ्लाई दैम और किसी को भी बहुत विशेष प्रकार की कुशलता की जरूरत नहीं है इसे उड़ाने के लिए मतलब हर कोई इसको उड़ा भी सकता है द किंग ऑफ जयपुर ड्यूरिंग द सिक्सटीन सेंचुरी सवाई राम सिंह ग्री सो फॉन ऑफ काइट्स दैट ही एस्टेब्लिश काइट फैक्ट्री टू स्पेशली मेक काइट्स फॉर हिम और जयपुर के एक राजा की बात करें सोलहवीं शताब्दी के समय की बात है ये सवाई राम सिंह नाम के राजा थे जो कि पतंग उड़ाने के इतने ज्यादा शौकीन हो गए थे कि उन्होंने तो एक फैक्ट्री ही एस्टेब्लिश कर ली थी स्थापित कर ली थी और उसमें उस, उस फैक्ट्री में केवल उनके लिए ही पतंग बनाई जाती थी इंडियन काइ्स आर जनरली डायमंड से बम्बू जो हमारी भारतीय पतंग होती हैं वे मुख्य रूप से डायमंड के आकार की होती हैं और जो कि बम्बू और पेपर से बनाई जाती हैं द वियस कलर डिजाइन एंड पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गोरियस मेक लुक डिफरेंट और तरह तरह के कलर से भरी हुई होती हैं और उनके ऊपर देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं जिससे कि भारतीय पतंग अन अन्य देशों की पतंग से बहुत ही ज्यादा विभिन्न हो जाती हैं मकर संक्रांति विच फॉल्स ऑन फोर्टीन जनवरी इज़ द ग्रेट इंडियन काइट फेस्टिवल मकर संक्रांति जो कि चौदह जनवरी को मनाया जाता है त्यौहार जो uh, वो द ग्रेट इंडियन काइट्स फेस्टिवल और इसको uh, महान मतलब मुख्य रूप से भारतीय पतंग का फेस्टिवल भी माना जाता है मतलब त्यौहार माना जाता है ऑन संक्रांति डे संक्रांति के दिन पर इन सिटीज़ लाइक जयपुर एंड अहमदाबाद द स्काई सूक्स डॉजलिंग विद द स्पेक्टिकुलर साइट ऑफ अ मिलियन काइट्स फ्लाइंग और संक्रांति के दिन ऐसे शहरों में जैसे कि जयपुर है या अहमदाबाद है यहाँ पर पूरे आसमान में आपको मिलियन काइट्स उड़ती हुई नजर आएंगी सुमिल तन्सली चाइना एंड जापान हैव देयर ऑन इक्वली अमेजिंग काइट फेस्टिवल और इसी प्रकार से चाइना और जापान में भी इस तरह के अमेजिंग काइट फेस्टिवल मनाए जाते हैं पतंग उड़ाने के त्यौहार मनाए जाते हैं काइट्स कैन बी लार्ज एंड एलेबोरेट और स्मॉल एंड सिंपल पतंग जो होती हैं वो बहुत बड़ी हो सकती हैं और छोटी हो सकती हैं सिंपल हो सकती हैं या विशेष प्रकार की भी हो सकती हैं मैनी काट्स आर वेरी चीप और कुछ पतंग तो बहुत सस्ती भी होती हैं यू कैन मेक अ काइट ऑफ योर ओन आप अपने आप भी पतंग को बना सकते हो स्वयं भी पतंग को बना सकते हो यूजिंग जस्ट स्टिक पेपर टेप एंड रील ऑफ स्ट्रिंग केवल किन किन चीज़ों का प्रयोग करके स्टिक जो बारीक बरीक जो लकड़ियाँ होती हैं उनका प्रयोग करके कागज का प्रयोग करके टेप का प्रयोग करके और एक रील का प्रयोग करके उसे बांधने के लिए इतनी थोड़ी सी मतलब वस्तुओं का प्रयोग करके आप पतंग को बना सकते हैं द नेक्स्ट टाइम यो योर आर लुकिंग फॉर समथिंग फन टू डू गो फ्लाई अ काइट अगली बार यदि आपका कुछ मनोरंजन करने का मन करे तो आप जाएँ और पतंग उड़ाएँ द चैप्टर इज कम्प्लीट नाउ एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग इन दिस चैप्टर नाउ स्टूडेंट्स दिस टाइम इज फॉर वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज एरियल टेकन फ्रॉम अ हाइट इन द एयर एरियल मीन्स हवा में हवाई टारगेट टारगेट एन ऑब्जेक्ट शूटर्स एम टू टारगेट होता है लक्ष्य ब्रास अ ब्राइट येलो मेटल एक चमकीला पीला पीली धातु तो मीन्स ये पीतल के लिए प्रयोग किया जाता है ब्रास ब्रिस्क ब्रिज गोल्ड एंड प्रीजेंट एक तेज ठंडी हवा स्पेक्टिकुलर लाइक अ स्पेक्टिकल और एन इम्प्रेसिव सो मतलब स्पेक्टिकुलर ये बहुत खूबसूरत दृश्य नाउ दिस टाइम फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डैश वर नॉट कॉमन इन दोज डेज तो एरोप्लेन सेकेंड ऑप्शन इज राइट हेयर एरोप्लेन वर नॉट कॉमन इन दोज डेज ठीक है Now, बी डैशर पैल्टिंग डाउन रेनड्रॉप्स वर पैल्टिंग डाउन आपने पढ़ा था चैप्टर में थर्ड ऑप्शन इज राइट हेयर सी टूडे काइट्स आर यूज मोस्टली फॉर फन हेयर सेकेंड ऑप्शन इज राइट टूडे काइट्स आर यूज मोस्टली फॉर फन Okay students thank for being with us thank you very much